जिसको सुनते ही आपके तन बदन में करंट आ जाएगा। इस बार मैं जा रहा हूँ हनीमून मनाने। हनीमून बहन जी लड़की वाले में जाइए। लेके चल रहा था मैं सीधे पाकिस्तान ले जाएंगे भाईजान। भाईजान पाकिस्तान चले भाईजान। अरे यहाँ चंबल में हमारा रोला चलता है भाई रोला। ओके जी ओके थैंक यू। देखो हम ब्लॉगिंग करते हैं ना तो ब्लॉगिंग के अंदर मोबाइल ऐसे पकड़ते हैं ठीक है और ये ऐसे पकड़ते हैं। हेलो गाइस कैसे आप सब। मैं हूं आपका अपना कमल पाजी। आपका वेलकम है कौन है ब्लॉग में। तो भाई इस बार अब मैं जान लगाऊं एक ऐसी जगह जिसको सुनते ही आपके तन बदन में करंट आ जाएगा। इस बार मैं जा रहा हूं हनीमून मनाने। हनीमून ईका हो गए। अरे हनीमून रुको भाई बताते हैं चिल्ला उठ रहो। हनीमून मनाने जा रहे हैं मेरे दोस्त जिसकी अभी थोड़े टाइम पहले शादी हुई थी। आज मैं जा रहा हूं उसके साथ उसका हनीमून मनवाने। उसका फोन आ रहा भाई मेरे को हनीमून मनवा दे। तो मैंने कहा चलो भाई तुमको हनीमून मनवाया जाए। तो चलो अब हम जा रहे हैं। पैकिंग मेरी हो चुकी है और अब हम निकलने लगे हैं अपनी या डेस्टिनेशन तो अभी डिसाइड नहीं है हम लोगों की एक्चुअली। चलो आगे की बात अपन कार में बैठे करेंगे क्योंकि लेट हो रहे हैं। आगे की बात कार में बैठ के बताता हूँ पूरा सीन क्या है। सामान मैंने रख लिया गाइस। बैग आ गया हमारा, ये लैपटॉप आ गया है वीडियो एडिटिंग के लिए और ये हमारा वूफर तो लगा ही है। चलो गाने वाने सुनते तेज म्यूजिक में चलेंगे। तो चलो फटाफट चला जाए बहुत लेट हो गया वैसे भी। तो गाइस अब मैं आपको बताता हूँ कि ये हनीमून का चक्कर क्या है ये आपको मैं क्लियर करता हूँ। एक्चुअली क्या है जो मेरा दोस्त है ना कौशी उसकी शादी हुई थी अभी आप लोगों को पता ही है जिस जिसने व्लॉग्स देखे हुए हैं। अच्छा व्लॉग नहीं देखे तो मैं ऊपर मेंशन कर देता हूँ यहाँ पॉपअप आ जाएगा आप देखना उसके व्लॉग्स। तो अब वो क्या वो कह रहा भाई मुझे हनीमून मनाने जाना हनीमून मनाने। मैंने कहा चल भाई मैं मनवा लाता हूँ तेरा हनीमून। तो वो कह रहा चलो भाई और ऑल ऑफ सडन प्रोग्राम बना हमारा। कल हमारी बात हुई है और वो कह रहा चल भाई चल रहे। मैंने कहा चल तू आ जा चलते हैं कोई दिक्कत नहीं है। और अब हम अब सुबह सुबह टाइम देखो आप ये 9:30 बज रहे हैं। 9:30 बजे वो स्टेशन पे आए हुए बेचारे को एक घंटे से अभाव हो गया यार। वो दोनों आए हुए हैं और यहाँ मेरी तैयारी ही नहीं पूरी हो पा रही थी यार क्या बताऊं बहुत ज्यादा लेट हो चुका हूँ। और अभी हमारा मतलब डेस्टिनेशन भी कन्फर्म नहीं है। वो उसका कहना है कि मेरे को कुल्लू मनाली जाना है और मेरा कहना है कि भाई मैं तो कुल्लू मनाली बहुत बार होया हूँ मनाली में 4-5 बार होया हूँ तो मैं तो नहीं जा रहा। अब देखो डेस्टिनेशन कंफर्म करेंगे बेचारे के हनीमून कैसा होगा पूरा सब देखते हुए चलेंगे। अच्छा और एक बात और पूरा व्लॉगिंग 7 दिन कंटिन्यूस व्लॉगिंग आएगी ये वाली 7 डेज कंटिन्यूस व्लॉगिंग आएगी। टाइमिंग आपको पता है जो मैं टाइमिंग पे अपलोड करता हूँ 30 डेज डेली व्लॉगिंग चैलेंज जिस जिसने देखा होगा उसको क्लियर पता है कि कितने बजे रात में ब्लॉग आता है तो टाइमिंग आपको पता चल जाएगी। और चलो वैसे व्लॉग के लास्ट में मैं आपको टाइमिंग बता दूंगा। तो चलो अब आगे मिलेंगे आपसे उसको ले ले पहले नाश्ता वास्ता करवा दे भाई को बेचारा भूखा बैठा हुआ है सुबह का यार। तो चलो अब चलते हैं वहाँ पे और आपको मिलवाते हैं उससे। तो गाइस अब पहले यहाँ से कुछ नाश्ता पैक करवा लें यार बहुत लेट तो हुई है। चलो 2 मिनट और सही कोई बात नहीं लेकिन सामने वाले को नाश्ता तो करवा देंगे ढंग से। चलो नाश्ता करवा के फिर हम चलते हैं आगे। 4 प्लेट कर दिया तो गाइस अभी आ चुका हूँ मैं ये रेलवे स्टेशन के अंदर जा रहा हूँ। और भाई साहब ऐसा मुंह बना के बैठा हुआ है कम से कम 10 फोन कर दिए उसने और गालियां पड़ रही है आज तो भाई गालियां दे रहा है साले तेरे को आ नहीं पा रहा ये नहीं हो रहा मैं सुबह के 3 बजे का उठा हुआ हूँ तू आ नहीं रहा। अभी भी देखो मैं अभी फोन वो रिकॉर्डिंग हो रही है साथ में फोन आ रहा है उसका भी फोन रिंगिंग हो रहा है मेरी वॉच पे शो कर रहा है ये देखो अभी भी फोन बज रहा है भाई साहब आज तो गालियां पड़नी है पक्के में। तो चलो देखते हैं कहाँ खड़ा भाई हमारा भाई। अरे यार एक तो ट्रैफिक एक तो यहाँ पे क्या पूरा काम भी चल रहा है ना रेलवे स्टेशन पे तो बस ये चक्कर हाई लो ये खड़ा गुस्से में भरपूर। भाईजान की हाल है भाईजान फेरी पुनः भाईजान और भाभी जी इतना बड़ा बैग साले आएगा कैसे। मैं तो ऊपर पेटी वेटी कुछ भी नहीं निकलवाई मैंने इस चक्कर में। ओए आ गया नाश्ता आ गया। ये बैग रहा चाबी जो है चलिए भाईजान
बेल्ट लगा, बेल्ट लगा। गर्मी कितनी हो रही है यार बाहर? दो घंटे से वेट करा रहा है तू। कितनी देर हुई है सही से बताइए? दो घंटे तेरी खत्म। 8 बजे आ गया था। 8 बजे हम वापस जा रहे थे ट्रेन देख के। तो गेट और गेट मेरे बंद नहीं है, गेट बंद है। हाँ जी भाईजान, नाश्ता हो रहा फिर? अरे फेल हो गया, खाना खाना भी नहीं आता। अरे यार क्या करते हो यार तुम? यार क्या तू तेरी नहीं लगी है? मेरी मैं साले लेने के आ रहा हूँ, मेरी नहीं लगेगी। नाश्ते में गाड़ी की धुलवाई और साफ करवाई, गाड़ी नहीं। तो गाड़ी गंदी तो नहीं होनी चाहिए ना भाई यार? वो ही ना, वो तेरे टोकने पे। तो चल तू साफ करवाएगा अभी थोड़ा सा। तो गाइस नाश्ता वगैरह तो हमारा सब कंप्लीट हो चुका है और अब हम इतनी प्रॉब्लम में फंस गए हैं कि अब हमें डिसाइड नहीं हो रहा कि करें क्या। मतलब जाना हम लोग निकल तो चुके हैं, डेस्टिनेशन हमारी स्टार्ट हो चुकी है, बट अभी हमें क्लियर नहीं हो रहा कि हम जाएगा। ये भाई हमारा कह रहा है कि मुझे कुल्लू मनाली जाना है, और मैं इसको कह रहा हूँ भाई कुल्लू मनाली तो मैं नहीं जा रहा। अब बोल कहाँ चलना है? पीछे वाले से पूछे, पूछो पीछे वालों से, बताओ पीछे वालों कहाँ चला है, जहाँ ले चले। तो हम लेके चल रहे थे सीधे पाकिस्तान ले जाएंगे भाईजान। भाईजान पाकिस्तान चले भाईजान। फिर बताओ वादियों जहाँ तो हम ये क्लियर है, हमें जाना हमें पहाड़ों में, हमें वादियों में जाना भाई मजे करने वहां। अब ये क्लियर नहीं हो रहा कि जाएगा कश्मीर साइड चलना है क्या कि शिमला? शिमला चलते हैं, शिमला चलते, शिमला चले। आपको बता दें ब्रेक के बाद, अगर आप लोग कोई अच्छी लोकेशन जानते हो तो उसमें हमें मेंशन करो, कमेंट में बताओ, हम लोग भी डिसाइड कर रहे हैं। तब पहुंच जाएगी जब तक व्लॉग आएगा, नहीं तो व्लॉग आ जाए तो अगर उनको कोई अच्छी जगह पता होगी तो बता देंगे, वापस चल लेंगे, फिर चले जाएंगे वापस। हम तो 2-3 महीने का हनीमून मनाने निकला भाई, 3 महीने तक घर नहीं जाएगा अब ये। चलो देख रहे हैं, चलो फिर आपसे मिलते हैं आगे, देख रहे हैं। हम सोचने वाले ज्यादा कहा हमें भाई फास्टैग कहा है? फास्टैग लगा ना देख आगे। कहाँ लगा है? नहीं लगा कहीं, नहीं लगा। तू देखियो अपनी गाड़ी कोई रोक नहीं पाता भाई। अच्छा दिखा दे टोल, दिखा दे। तब मैं बैठा हूँ तो कहीं नहीं रोकेगा तेरी गाड़ी? कुछ भी नहीं है। देख रहा भाई का जलवा, आगे दिखा दो अभी। ये देख लो आगे, वो देखो एग्जेम्प्टेड व्हीकल स्टाइल है भाई का। अरे यहाँ चंबल में हमारा रोला चलता भाई, रोला एक नंबर। हाँ जी जी भाईजान, दूसरी शिफ्ट दूसरी शिफ्ट चालू हो गई। इतनी देर हो, भूख लग गई यार भाई। ब्रो हर 10 मिनट भूख लगती है। साला जहर खा लो थोड़ा सा। आगे फिर रोके 15-20 मिनट बाद? नहीं ना, आगे देखेंगे, पर बड़े ही खानी है आगरा में। आगे फिर खाना है अभी। कौन है वो झूलेलाल है? कौन है झूलेलाल? नहीं वो अपना देवीलाल। देवीलाल झूलेलाल भगवान है। झूलेलाल का तो भजन करो भाई। तो चलो ये आ गए अब हम बाबा देवपुरी महाराज। देवपुरी जय हो, जय हो भगवान, जय हो। सेफ जर्नी करें हम, आराम से जाएं बढ़िया। तो गाइस अब ड्रिंक ब्रेक हो चुका है, ड्रिंक्स ब्रेक। क्या लेने आए हो? ये तारे कहाँ से लटक रही है? वो करंट वरंट तो नहीं आ जाएगा इसमें? दूर करो इसको, ये नाक में लगाइए। बल्ब चालू हो जाएगा, लगा देना ये देख ऊपर वाला। नॉर्मल नॉर्मल पानी दे दो बस, नॉर्मल। गाइस ड्रिंक ब्रेक के बाद हो गया, अब रिलीजिंग ब्रेक आ चुका है। रिलीजिंग ब्रेक है ये। क्या कर रहा है, क्या कर रही हो लैला यहाँ पे? क्या कर रही? अबे तू साले लड़कों के पास कैसे आ गया? लड़की वाले में जा, दाढ़ी लगा के आ गया। लड़की वाले में जा भाई, तेरी एंट्री नहीं है। बहन जी लड़की वाले में जाइए। तो गाइस अभी हम पता हाईवे पे तो चल ही रहे हैं, और भाई साहब यहाँ पे ऐसा इंसिडेंट हुआ कि सच में कलेजा बाहर आ गया। ये देखो हम 80-90 की स्पीड में चल रहे थे नॉर्मल, और एकदम जो सामने ही हमारे सामने आ गया भाई, ये गाड़ी ऐसे चल रही है, हमने कहा ये क्या हो रहा है भाई? डर के भाई साहब फट के हाथ में आ गई, और बस जब लास्ट में देखा तो कौन भी ये निकला, ये देखो ये टॉर्चर होकर जा रही है गाड़ी। क्या हो गया अंकल जी, क्या हो गया? अच्छा वायरिंग फुक गई, तो तुम ब्रेक में जा रहे हो? अच्छा अच्छा, और ठीक हो? अच्छा अच्छा, ऐसे खींचते? अच्छा सीख रहे हैं हम भी।
चलो ठीक है, आगे भी आपके ऐसे इंसिडेंट दिखाते हैं, कुछ मिलते हैं तो बोला। अब हम आ गए, क्या निकल, क्या नहीं निकल रहा, अभी नहीं निकला भाई के फोन की वो टूट गई है रिंग। कमल पाजी का, कमल पाजी गाड़ी बगा दे और पीछे पीछे आ जाएगा भाई, जल्दी लेके अपनी ठंडी स्टार्ट हो गया भाई, ठंडी खाई जा रही है, भूख लग रही थी बहुत तेज यार। चला काके, चलो ये देखो भाई, हम लोग भूख लगी थी, छोले कुलचे खाने के लिए आए थे, पाजी भी आया साथ में, पाजी तो आई है, तुम पाजी भी खाता है, पाजी भी खाती है, कुलचे छोले चल रहे हैं, कुलचे छोले इसको बीच में से भी तो शेक हो यार, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब कर, रिचार्ज कर दो। तो गाइस अब खाना पीना तो हो चुका भाई, कुलचे छोले खा के वहाँ बन रहे थे पराठे, इधर दिखाओ थोड़ा सा भाई को भी, पीछे पीछे दिखा रहे हो चैप्टर, तो पराठे देख के अब भाई पराठे खाने का मन कर रहा है, और अब हम जाने लगे हैं, कहाँ जा रहे भाई, ये देखो हम कहाँ जा रहे हैं, ये तुम बताओ भाई, तुम बताओ कहाँ जा रहे हैं, हाईवे पे जा रहे हैं, ऑडियंस देख हम कहाँ जा रहे हैं, ऑडियंस बताए तो अब हम जा रहे हैं मुरथल के, मुरथल के पराठे खाने, अमरीक सुखदेव के पराठे खाने जा रहे थे। आप भी साथ में कंटिन्यू रहो, लाइक कमेंट शेयर कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना। नमस्ते, हेलो, कैसे हो? आप कैसे हो? बस सब बढ़िया। लो आशीर्वाद दो हमको, हमारा यूट्यूब चैनल हमारा सक्सेस हो जाए, ठीक है? कमल पाजी, कोई बात नहीं, मिलेगा सब्सक्राइब कर दूंगी, ये पीछे लिखा है नाम पढ़ जाना, ओके ओके, पढ़ लो गाड़ी के पीछे, ठीक है? ठीक है, चलो बाय, टेक केयर। कैसा लग रही है? पढ़ लिया उस दिन, नाम तो पढ़ लिया, नाम पढ़ लिया ब्रो, कमल पाजी जी, सब्सक्राइब कर, ओके जी, ओके, थैंक यू। तो गाइस अब मैं आपको बताऊं कि यार अब हमने पहले प्लानिंग करी थी, जैसे हमने बताया आपको कि हम जाएंगे अमरीक सुखदेव जाके कुछ खाएंगे, तो अमरीक सुखदेव तो यार अब हम जा नहीं पा रहे, मतलब जा तो सकते हैं बट हमारे को क्या है टाइम का इशू आ रहा है, और टाइम ऐसा लग रहा है कि यार टाइम वेस्ट हो जाएगा हार रुकेंगे तो, वैसे तो ये सोच नहीं है अमरीक सुखदेव कहाँ निकल गया, हम भी आना है, आना है। जो हमने अभी लोकेशन अपने दिमाग में सोची है वो काफ़ी दूर है यहाँ से अभी, तो इसलिए फिर हम सोच रहे हैं कि आगे कहीं और देख लेंगे कुछ खाने का, अभी अभी तो थोड़ी देर पहले कुलचे वगैरह खाए हैं, तो आगे चलते हैं जिससे कि फिर हम आगे जाके थोड़ा गाड़ी चलाने जा रहा है, क्योंकि बहुत टाइम लगेगा वहाँ लोकेशन पे पहुँचने में भी। बोलो क्या बोलो, कैसा लग रहा है, बोलो। तो गाइस अभी हम लोग थोड़ी देर बाद मिलते हैं आपसे, हम भी सुनते ही आ गया, ये आ गया वो भी आ रहा है, तुम्हारे हाथ ऐसे ऐसे क्यों हो रहा है, यहाँ पे इतनी खतरनाक बारिश स्टार्ट हो गई है ना, सच में ये दिखा तो दिखा भाई, एक बार दिखा रहा हूँ, इतनी तेज बारिश स्टार्ट हो गई है इस ट्रिप पे, अब समझ में नहीं आ रहा क्या क्या हो रहा है, ठंड लगने लगने लग गई है यार, ठंड लग रही, ये एसी बंद करके रखा है, गूंगा बोल गया बहुत देर बाद, बोला गूंगा बोला भाई, सर्दी लग रही है तो बारिश भी, बारिश बंद हो गई, बंद हो गई, एसी चला लो, गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है।
गाइस अब हम आ चुके हैं एक ऐसी जगह, बॉडी बिल्डर से मिलने आए हैं, बॉडी बिल्डर से, ठीक है। आयो किससे आयो मिलने? ये देखो आप, द ग्रेट खली के ढाबे पे आए हैं हम। अब इसके यहाँ जाके देखेंगे कि कैसा फूड है यहाँ का, और अंदर का इंटीरियर देखेंगे क्या क्या है अंदर, तो आपको भी दिखाएंगे। कंटिन्यू रहना, वीडियो को शेयर लाइक सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस ये ऐसा कुछ अंदर से लगता है, ग्रेट खली ढाबा, ओ सॉरी ढाबा नहीं भाई, ढाबा रही है कहीं से भी, बट एक गूगल पे शो करता है वो, उस पर जब आप इसको सर्च करोगे ना तो लिखा होता है यहाँ पे, ये रिंग बनी हुई है, मैप पे सर्च करोगे तब ये रिंग बनी है। रिंग के अंदर भी बैठ के हम पूछते हैं, अभी यहाँ से थोड़ी सी इंक्वायरी लेते हैं कि कैसा क्या सिस्टम है। द ग्रेट खली, खली पाजी, अभी पूछते हैं खली पाजी मिलते कब है, अभी कंफर्म करता हूँ, पूछता हूँ इनसे कब मिलते हैं खली पाजी। ट्राई करते हैं, देखते हैं कि क्या पोजीशन है इसकी। रोटी के साथ स्टार्ट करते हैं हम विद दाल मखनी। फूड ब्लॉगर भी बन चुके हैं आज के लिए। तो गाइस हम आ चुके हैं खली के ढाबे से बाहर, आप लोग बताना कि आप लोगों को कैसा लगा देख के, सच बताना, रियल अपना बताना, कमेंट करना कि कैसा लगा। हमें तो लिटरली अच्छा लगा, खाना भी बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी खाना था। हाँ, दाल मखनी तो भाई साहब नो डाउट बहुत अच्छी थी सच में, गुलाब जामुन भी बहुत अच्छा था। हाँ, तो चलो अब हम जा रहे हैं, हमने यार आगे सोच रहे हैं कि कहाँ जाएं, तो सोच तो वैसे हम चुके हैं, सोच चुके हैं पहले ही, बट हम कल बता देंगे, हम आपको कल बताएंगे, लेकिन हम लेट नाइट होने के कारण 9 बज रहे हैं, तो अब हम कहीं होटल लेके हम लगे हैं रेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा लेट नाइट में गाड़ी चलाने में कोई सेंस नहीं है। सुबह के उठे हुए हैं, सुबह से चल रहे हैं, ये भाई तो बेचारा हमारा 3 बजे का उठा हुआ है, कोई सेंस नहीं है। फिर हम सोएंगे, रेस्ट करेंगे, होटल वगैरह देखते हैं यहाँ पे रास्ते में, फिर आगे का आपको क्लियर कर देंगे कि हम कहाँ जाएंगे, वो होटल वन प्लस ये रहा। तो चलो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखना, गुड बाय, टेक केयर फ्रॉम कमल पाजी।